अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि आई ओ एस 16 बीटा को हम अपने आईफोन पे कैसे अपडेट करें या कैसे जो है डाउनलोड करें। और ये जो है हमें इसलिए डायरेक्टली अभी ऑफिशियली नहीं मिला है एप्पल के सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन में, जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर अपडेट का सेक्शन देखते हैं, बिकॉज अभी आई ओ एस 16 जो है प्रॉपरली लॉन्च होगा सितंबर या अक्टूबर अराउंड, जबकि आईफोन 14 लॉन्च हो जाएगा। तो उसके बाद हमें जो है ऑफिशियली ये हमारे पास इसका पॉपअप मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट का, बट अभी हम स्टिल इसको डेवलपर मोड और पब्लिक मोड जो है डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रोसेस करना पड़ता है। तो आज हम आपको वही वीडियो में करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वीडियो पे चलते हैं। ये है हमारे पास आईफोन, जिसकी अभी इस वक्त सॉफ्टवेयर वर्जन है 15.5, जो कि हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं ये जनरल में। और यहाँ पर जब हम जा रहे हैं तो इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छा मेरा नेट कनेक्टेड नहीं है तो ये इसलिए शो नहीं हो रहा, और अब मेरा यहाँ पे नेट कनेक्ट हो चुका है। तो हम जनरल में जाके जब सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है लेटेस्ट आईओएस वर्जन विच इज़ 15.5। तो अब हम जाते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। इसके लिए हमें यूज़ करना है यहाँ पर ब्राउज़र, और जो ब्राउज़र है वो ऑब्वियसली गूगल क्रोम नहीं होना चाहिए, या और भी कोई अदर ब्राउज़र हम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज़ अगर हम गूगल यूज़ करेंगे तो ये वर्जन काम नहीं करेगा। सो वैसे तो ये बिल्कुल ऑफिशियल एप्पल की तरफ से ही लॉन्च किया गया सॉफ्टवेयर अपडेट है, बट फिर भी ये जो है हमें डायरेक्टली नहीं मिल रही, हमें इसका प्रोसेस फॉलो करना पड़ रहा है। तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर सफारी ब्राउज़र में। सफारी ब्राउज़र में हमने यहाँ पर लिखना है, टाइप करना है बीटा, बीटा beta.apple.com। इसको हम यहाँ से करेंगे गो, तो हमारे सामने ये एक इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। और इसके बाद हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इसको साइन अप। यहाँ पे आपको अपनी एप्पल आईडी यूज़ करनी पड़ेगी साइन अप करने के लिए या साइन इन करने के लिए। यहाँ पे मेरा पासवर्ड मांग रहा है, या मैंने फेस आईडी इस वक्त ऑफ़ की हुई है, तो वरना ही आपको यहाँ पर फेस आईडी की सिक्योरिटी यहाँ पर मांगता। हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, अपने आईफोन का पासवर्ड डालेंगे, तो यहाँ पे ये आगे प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब आप इतनी प्रोसेस कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा, जिसमें लिखा होगा एप्पल बीटा सॉफ्टवेयर वर्जन या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपने लिखा हुआ नज़र आएगा एनरोल योर आईओएस डिवाइस। उससे पहले आपने यहाँ पे करना है डाउनलोड प्रोफाइल। डाउनलोड प्रोफाइल के बाद यहाँ पे आपको करेगा अलाउ या इग्नोर, तो आपने इसको सिंपली अलाउ कर देना है और बस आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इसको ख़त्म कर बैक कर लेना है, और हम मूव करेंगे यहाँ पे अपने सेटिंग्स की तरफ। तो सेटिंग के ऊपर हमें यहाँ पे नज़र आएगा प्रोफाइल डाउनलोडेबल या डाउनलोडेड। सो ये इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा, फिर आपने इसको सिंपली यहाँ से जाकर इंस्टॉल कर लेना है, और ये फिर से आपका पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको इस तरह से ये आपको सारे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है, और ये रीस्टार्ट मांगेगा, तो रीस्टार्ट करने की इसमें कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपली हम इग्नोर कर देंगे और यहाँ से इसको करेंगे डन। और अब जो है ये सॉफ्टवेयर अपडेट स्टार्ट कर देगा, और आपको इस तरह का यहाँ पर जब हम ये ओके करेंगे ना, ये यहाँ से जो प्री डाउनलोडेबल प्रोफाइल शो हो रहा था, वो प्री डाउनलोडेड प्रोफाइल सॉरी, सो वो ख़त्म हो जाएगी। आपने फिर जनरल में जाना है, और फिर आपको यहाँ से एक और ऑफिशियल सा आपको यहाँ पर इंटरफेस मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है आईओएस 16 पब्लिक बीटा, जिसका इस वक्त है डेटा 5.29 GB का। इसको आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेंगे, और फिर से अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपसे ये थोड़ा सा ब्राउज करेगा, इसमें आपने करना है डाउनलोड एंड इंस्टॉल, सो अपडेट रिक्वेस्टेड। और अब ये जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, अभी अपना टाइम लेगा, और फिर आपको आईओएस 16 देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है, 1 आवर का टाइम दिखा रहा है। और सो गाइज, यहीं देखती है हमारी आज की वीडियो, और होप यू लाइक्ड। और ये हमारा आईओएस 16 जब अपडेट हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि इसका इंटरफेस कैसा है, और फिर हम इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट शेयर करेंगे। Thank you guys, thanks for watching, Allah Hafiz.